नमस्कार दोस्तों, UTV News 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट की दुनिया को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप सभी को पता है कोरोना की वजह से क्रिकेट की जो दुनिया है वो बिल्कुल रुक सी गई है, वहां पर बिल्कुल ब्रेक सा लग गया है। मगर दोस्तों अभी हमने सुना था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 वनडे और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज होने वाली थी, मगर दोस्तों अब वो कैंसिल हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैंसिल क्यों हो सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, IPL 2021 को कोरोना वायरस की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है और आगे के लिए टाल दिया गया है, और हो सकता है सितंबर के महीने में IPL दोबारा से खेले जाए। जो बचे हुए 31 मुकाबले हैं वो सितंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएं। मगर दोस्तों उससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज होने वाली है। अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है साउथहैम्पटन में। मगर दोस्तों दूसरी तरफ इंडिया बी की टीम श्रीलंका दौरे पर जाने वाली थी, जहां पर 3 T20 मुकाबले और 3 वनडे मुकाबले खेलने वाली थी। मगर दोस्तों अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल के आई है कि इंडिया का श्रीलंका का दौरा रद्द हो सकता है और ये सीरीज भी रद्द हो सकती है। रद्द क्यों हो सकती है, दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका में बीते कल 38 यात्री बाहर से आए, जहां पर 38 के 38 यात्री कोरोना से पॉजिटिव निकले, जिसके बाद दोस्तों वहां की सरकार की नींद उड़ गई और ये केस लगातार श्रीलंका में अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की नींद हराम हो रखी है। कोरोना वायरस की वजह से ही ये सीरीज रद्द भी हो सकती है। 40% चांस हमें लग रहे हैं कि ये सीरीज रद्द हो जाएगी। दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो क्रिकेट की दुनिया एक बार फिर से रुक सी जाएगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कोरोना वायरस को देखते हुए ये सीरीज करानी चाहिए BCCI को, या फिर दोस्तों इस दौरे को रद्द कर देना चाहिए? अपने हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना, लिख देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए UTV News 24।